ਖੁਸ਼ਿਆਰ ਪਰ نیوز ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਲੈਨਰਸ ਦੇ ਐਮ ਡੀ ਮੈਡਮ ਮੰਜੂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮਸਕਾਰ एंड चेतन तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा भारत की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं हमेशा सरकार को सपोर्ट करती हूं क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो हमेशा हमारा बेहतरी के बारे में ही सोचेंगे तो लॉकडाउन की वजह से ही भारत में बीमारी कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हो पाया वी आर सेफ और देखिए ज़िंदगी में लाभ हानि तो चलता ही रहता है बिजनेस अप है डाउन है लेकिन पहला पहला जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारी हेल्थ अगर हम हेल्दी हैं हम अपने परिवार के साथ हैं तो ये परेशानियाँ और मुश्किलें तो चलती रहती हैं सो आई कम्प्लीटली वेलकम मैं सरकार को बहुत अप्रीशिएट करूँगी आज हम सब अपने घरों में हेल्दी और सुखी बैठे हैं सो so, उसका पूरा श्रेय सरकार को जाता है और उन सभी जिम्मेदार नागरिकों को जिन्होंने कि इस लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और इसको सक्सेसफुल बनाया सो so, दैट हम अपने काम धंधों की तरफ दोबारा लौट सके मैडम जो स्टूडेंट्स आईलट्स कर चुके हैं या आईलर्ट्स कर रहे हैं इस तो अलावा जो ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ये जो अगस्त का महीना चल रहा है दिस इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि इस वक्त मैक्सिमम कंट्रीज़ ने अपने वीज़ाज़ ओपन कर दिए हैं अपने वी एफ एस ऑफिस ओपन कर दिए हैं एंड यू के एंड कैनेडा के तो स्टूडेंट वीज़ा लगने भी शुरू हो गए हैं सो so, अगर यही बात हम शायद जून और जुलाई में नहीं कह सकते थे तो अभी नेक्स्ट जो थ्री मंथ्स हैं वो स्टूडेंट वीज़ा कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं एक और चीज़ है कि यू के में क्योंकि इतना मैन पावर लॉस हुआ है इकोनॉमी बहुत इफेक्ट हुई है सो यूके टाइम, आप uh, क्या करें अगर आप कैनेडा यूके ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं तो ऑनलाइन वीज़ाज चल रहे हैं हाँ कुछ चेंजेस जरूर आए हैं वो जब आप ऑफिस आएंगे आई विल एक्सप्लेन बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है रही बात फ्लाइट्स की तो तीन चार कंट्रीज़ की फ़्लाइट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं जैसे यू की फ़्लाइट शुरू हो चुकी है फ्रांस की फ़्लाइट शुरू हो चुकी है यूएस के बीच में रेस्क्यू फ्लाइट्स ऑलरेडी चल रही हैं तो आने वाले लगभग एक महीने में हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि फ़्लाइट्स चलेंगी एंड अब क्योंकि जो मैक्सिमम पेनफुल टाइम था या कोरोना का पीक टाइम था वो जा चुका है एंड वी आर होपिंग कि सब कुछ अब नॉर्मल हो जाएगा येस वीज़ाज़ आर ओपन ऑल काइंड ऑफ वीज़ाज़ आर ओपन ਸੁਰਨਨ ਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅ ਯੈਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ ਜਿਸ 'ਮੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਹੈ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਮੇ ਆਪਨੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਇਆ ਆਪਕਾ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਫਲਾਈਟ ਫਲਾਈ ਕਰ ਲੇਤੇ ਥੇ अभी उन्होंने टू स्टेज वीज़ा कर दिया है कि पहले हम आपको प्री वीज़ा अप्रूवल देंगे उसके बेसिस पर आपकी मर्ज़ी है आप इंडिया में ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहते हैं या आप अपना सेशन फर्दर डेफर करके जब भी कनाडा में फ़्लाइट्स ओपन होंगी तो आप फ्लाई कर सकते हैं बाकी अगर मैं बात करूँ सभी कंट्रीज़ की ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यू कोई भी मेजर वीज़ा चेंजेस नहीं आए हैं सो यू शुड बी हैप्पी कि आपको किसी तरह का एक्स्ट्रा कोई बर्डन या परेशान होने की ज़रूरत नहीं बल्कि एक तरह का अच्छा टाइम आया है क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी कर दिया गया है वीज़ा एंड ऐसा कोई मेजर इशू चेंजेज मैंने मैंने नहीं देखे हैं और कनाडा में भी ये अच्छा ही है कि जो बच्चे चाहेंगे इंडिया में पढ़ें मोस्ट वेलकम अदरवाइज इन फ्यूचर वो फ्लाई कर सकते हैं पर वीज़ा अभी उन्होंने देना शुरू कर दिया दैट शोज़ कि हर देश इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुलाना चाहता है और वीज़ा अभी से ग्रांट होने शुरू हो गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है लास्ट सवाल जो स्टूडेंट विदेश जाके सिक्षा हासिल करना चाहते हैं अपना भविख्य व्या बनाना चाहते ने ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਹੁਣ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭੀ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾਇਆ कि यही क्वेश्चन अगर आप मुझे पिछले कुछ महीनों में पूछते जून जुलाई में तो शायद मैं साफ साफ मना करती है कि ईमानदार और सही कंसल्टेंट होने के नाते बट uh, अभी अगस्त में आप वीज़ा शुरू होने की तो बात छोड़िए वीज़ा लग चुके हैं एंड दिस इज़ द राइट टाइम नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर नवंबर में आप बेशक आप तैयारी करें अभी आइल्स का एग्ज़ाम भी होना शुरू हो गया है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है आइल्स का पेपर एग्ज़ाम अब शुरू हो चुका है तो आप आइल्स का पेपर भर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ विदाउट आइल्स वीज़ा दे रही हैं सो so, खुले हाथों से इंडियंस का स्वागत किया जाएगा बिकॉज इंडिया की इमेज कोरोना में बहुत उभर के आई है एंड हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है और मैक्सिमम uh, जो मैं वेबसाइट्स पे स्टडी करती हूँ कि कही कहीं ना कहीं चाइना को प्रिफ्रेंस जो मिला करती थी या उनका वीज़ा कोटा बहुत ज़्यादा था वो अब अब उतना नहीं मिलेगा सो वी आर होपिंग कि इंडिया इज गोइंग टू गेट मेनी मोर वीजास एंड दिस इज द बेस्ट टाइम ये एक तरह से स्टूडेंट वीजा के लिए बहुत अच्छी राहत की खबर है सुएसन होशियारपुर तो इमिग्रेशन कंपनी वीजा प्लानर्स ते एमडी मैडम मंजू शर्मा जिन्ना ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ گئی ہے ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ چل رہا ہے اور ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ اپیل کیتی گئی ہے کہ اس سمے دوران بنا کسی ڈر پہ تو اپنی فائل ਵਿਦੇش ਲਈ لگا سکتے نے ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਤਨ ਕਸ਼ਪ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਹੁਸ਼ਾਰ ਪਰ ਨਿਊਜ਼